तो यार ये मैं खड़ा हूँ अगेन पुल पे, केदारनाथ रूट जो जाता है रुद्रप्रयाग पे, और ये मंथ में भाई जी मैं 3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे शुरू से ना। एक बार तो मैं गुप्तकाशी तक गया और 2 बार मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आज मुझे फिर पता चला कि केदारनाथ यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। और ये भाई जी हमारे मिल गए थे मुझे, ये यहीं से हैं। भाई क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन नाम है भाई का। और भाई का आप कहाँ से हो? रुद्रप्रयाग से। यही यहाँ गांव है आपका ऊपर? क्या नाम पड़ता है गांव का? गांव का पड़ता दरमोला। दरमोला गांव से हैं। और इन्होंने ही मुझे बताया कि बंद है अभी यहाँ पे। तो इनके कोई दोस्त भी रहते हैं उधर में, उनको फ़ोन कर रहे हैं अभी, क्या पता खुला हो तो मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो यार उनको फ़ोन कर लो। क्या करते हैं दोस्त आपके वहाँ पे? मेरे दोस्त उसका घर है वहाँ पे। घर है ना, तो एक बार पूछ लो यार, कन्फर्म कर लो ना। बहुत सारे लोग फिर वेट करते हैं। तो अभी भाई कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। देखो या उनके दोस्त वहीं रहते हैं केदारनाथ के पास, वहीं काम करते हैं, तो वो पता कर रहे हैं। लेट्स सी क्या है, खुला है नहीं खुला है। मैं आपको अभी कंफर्म ही बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या सीन है, फिर उसके बाद निकलते हैं वापस यहाँ से देहरादून। हाँ क्या कह रहा? खोल देंगे। कब तक खोल देंगे? खोल देंगे तो मैं फोन करूंगा तुम्हें। अभी तो कोई सेवा दिवा ना। वैसे लोकल जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ के? जा रहे हैं वहाँ? ना पटनी खुले? पटनी खुले खाली ऐसे ना, ना कोई जा नहीं सकता है। दोस्त वोस्त कोई नहीं जा सकता हूँ? नहीं। क्यों? पता नहीं, घोड़े के साथ जा सकता हूँ। अच्छा, खाली सिंगल जा सकते हैं। और मंदिर के दर्शन हो रहे हैं? मंदिर के दर्शन बाहर से हो रहे हैं कि अंदर से हो रहे हैं? ना वो सागर वागर जाता होगा वहाँ। अच्छा, कब तक के चांसेस हैं? मतलब कोई नहीं जा रहा हूँ। कब तक खुलेंगे? कोई ठीक है भैया। ओके ओके। सो अभी भाई ने कॉल किया। और क्या नाम था दोस्त का? दोस्त का नाम प्रवीण। प्रवीण नाम था। और क्या करता वहाँ पे? वहाँ उसका घर है। अच्छा, वहीं पे? केदारनाथ से कितना दूर है? केदारनाथ से होगा ऐसे 25 किलोमीटर। अच्छा, जहाँ से पैदल चढ़ाई है उसी के आसपास। ठीक है, तो लगभग जैसे काफ़ी चढ़ाई है केदारनाथ के लिए, तो वहीं पर इनके दोस्त थे प्रवीण, उन्होंने पता किया तो नहीं खुला है उन्होंने बताया। और मैंने इनका नंबर ले लिया है, जब भी खुलेगा मैं इनसे कंफर्म करके आप सबको भी बता दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, मैं कम्युनिटी टैब में बता दूंगा। और यार एक बात तो सच है, बाबा का जब आता है बुलावा तभी जाने को मिलता है। तो अभी कपाट भी नहीं खुले हैं और मंदिर के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आधे से ही रास्ता बंद है। एंड अभी यहाँ पे अगर मैं मौसम की बात करूँ, बहुत सुहाना मौसम है, हवा चल रही है बढ़िया। इधर नदी के इधर भी नदी है, इधर भी नदी है। ये पुल में ही अजीब सी खुशी है, अजीब सा मज़ा है। अभी शायद अब मेरी आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे लोग वॉक भी कर रहे हैं। ये रास्ता है सीधा, ये देहरादून जाता है आपका रास्ता, और ये जाता है आपका सीधा नीचे की ओर। सो अभी मैं निकलूँगा यहाँ से और मैं आपको बताते रहूँगा। एक वीडियो मैंने और बनाई थी जिसमें मैंने रूट के बारे में बताया था, केदारनाथ रूट के बारे में। अगर आपको भी जानना है प्रॉपर रूट कहाँ से है, क्या क्या करना पड़ता है केदारनाथ जाने के लिए, कितने रास्ते हैं, क्या भाड़ा लगेगा, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो सारी चीज़ें आप पता कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और सब्सक्राइब करके रखना, कम्युनिटी टैब में मैं ज़रूर बता दूंगा। तो लाइव अभी मैं यहीं पर हूँ रुद्रप्रयाग, जहाँ से केदारनाथ लगभग आप लगा लो 70 किलोमीटर के आसपास होगा। इधर ऊपर को आगे गुप्तकाशी पड़ेगा, कुंड गुप्तकाशी, और उसके बाद आपका नंदप्रयाग, एंड उसके बाद आपका गौरीकुंड और केदारनाथ। तो दैट्स इट गाइज आज के लिए। भाई जी भी मेरा वेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या, उन्होंने मुझसे लिफ्ट ली थी। आई डोंट नो वो अभी कहाँ गए, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में यहाँ पे बिज़ी हो गया और भाई जी यहीं पे बैठे हुए अपने। तो लेट्स सी क्या होता है। सो आप चैनल पे बने रहना, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। बाकी अभी मुझे निकलना है श्रीनगर की ओर, तो मैं वापस श्रीनगर की ओर निकलूँगा यहाँ से। अभी मैं इधर से आया हूँ। चलो भाई आ जाओ चलते। चलो फिर एक काम करना, मुझे अपना नंबर दे देना आप, ठीक है, जब भी होगा बता दूँगा। और क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई हुआ नहीं हुआ, खुला नहीं खुला, तो फिर कंफर्म करना पड़ता है। एक्चुअली क्या, मुझे भी जाना था, मैं मंथ के शुरू में भी आया था, पिछले मंथ के एंड में भी आया था,
तो उधर से हैं, पहले भी गया आपको? गया तो हूँ बट इस बार नहीं जा पाया यार, इस साल दिक्कत ये हो गई। तो चलो अभी चलते हैं, ठीक है भाई जी? ठीक है फिर चलो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।